एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रेथ ऑफ गॉड। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही फेमस लेखक को दिखाया जाता है। इस लेखक का नाम क्लॉस्टर है जो कि नोवेल लिखता है। यहाँ ऑडिटोरियम में वह अपनी बुक के लिए आया होता है जो उसने नई नई बुक लॉन्च की है। लेकिन तभी क्लॉस्टर को एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम लुसियाना है और वह लुसियाना के पास जाता है। तभी यहाँ पर एक घटना घट जाती है और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लुसियाना को देखते हैं और हमें पता चलता है कि लुसियाना क्लॉस्टर के लिए काम करती है। क्लॉस्टर उपन्यास को बोलता है और लुसियाना उन उपन्यास को कंप्यूटर में लिखती है। लुसियाना यहाँ पर मशरूम के बारे में बताती है कि कौन सा मशरूम खाने के लायक है और कौन सा मशरूम जहरीला होता है। लेकिन यहाँ पर क्लॉस्टर लुसियाना को गंदी नजर से देखता है। क्लॉस्टर की एक पत्नी और उसकी एक बेटी है। उसकी पत्नी का नाम मर्सिडीज है और उसकी बेटी का नाम पोली है। लुसियाना हर रोज पोली के साथ खेलती है क्योंकि पोली का मन लुसियाना के साथ ही लगता है। क्लॉस्टर अपनी बेटी पोली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं हमें पता चलता है कि लुसियाना एक और लेखक के साथ भी काम करती है और इस लेखक का नाम इस्तेमान रे होता है। लेकिन क्लॉस्टर ने कौन सा उपन्यास लिखा है इसके बारे में वह इस्तेमान रे से कुछ भी नहीं कहती। लुसियाना के पास पैसे की कमी है इसलिए वह एक साथ दो दो जॉब कर रही है। अगले दिन लुसियाना फिर से क्लॉस्टर के घर पर जाती है। लेकिन आज क्लॉस्टर की बीवी मर्सिडीज और उसकी बच्ची पोली बाहर जा रहे हैं और घर पर क्लॉस्टर और लुसियाना अकेले हैं। हर रोज की तरह ये लोग अपना उपन्यास लिखते हैं। क्लॉस्टर यहाँ पर फिर से लुसियाना को गंदी नजर से देखता है। साथ ही बताता है कि मेरी पत्नी को बैले डांस बहुत ज्यादा पसंद था लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए और उसके बाद से कभी कभी वह अपना आपा खो देती है। यहाँ क्लॉस्टर को यह भी पता चलता है कि लुसियाना इस्तेबान रे नाम के एक लेखक के साथ भी काम कर रही है। लुसियाना बताती है कि वह लेखक इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन वह आपको जानता है। यहाँ पर क्लॉस्टर लुसियाना के करीब जाने की कोशिश करता है और लुसियाना को जबरदस्ती किस करता है। लुसियाना को इस बात से बुरा लगता है लेकिन क्लॉस्टर बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे सिग्नल दे रही हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें किस किया। लेकिन लुसियाना उसका घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लुसियाना परेशान होकर अपने घर पर आ जाती है। लुसियाना की बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें उसकी मम्मी पापा, उसके दो बड़े भाई रेमिरो और ब्रूनो और उसकी एक छोटी बहन वेलेंटिना है। लुसियाना अपनी मॉम को सारी बात बता देती है। लुसियाना क्लॉस्टर की कंप्लेंट करती है और कंप्लेंट की एक कॉपी उसके घर पर भिजवा देती है। और जब इस कंप्लेंट की कॉपी को मर्सिडीज देखती है तो वह अपना आपा खो देती है जिसकी वजह से वह अपनी ही बेटी पोली को बाथटब में डुबाकर मार देती है और खुद जो पी लेती है उसकी ओवरडोज कर देती है और जिसकी वजह से वह खुद भी मर जाती है। जब क्लॉस्टर यहाँ पर आता है तो वह देखता है कि लुसियाना ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। साथ ही वह देखता है कि उसकी बच्ची और उसकी बीवी दोनों मर चुकी हैं। इस बात से क्लॉस्टर बहुत ज्यादा टूट जाता है। लुसियाना और उसकी मॉम क्लॉस्टर पर एक हैरेसमेंट का केस भी कर देते हैं और जब सुनवाई के दौरान यहाँ पर क्लॉस्टर आता है तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। क्लॉस्टर बिना कुछ बोले ही वह चार्जेस भर देता है और गुस्से में होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी तक लुसियाना को यह नहीं पता था कि क्लॉस्टर की बीवी और उसका बच्चा मर चुका है। इसके कुछ दिनों बाद लुसियाना की फैमिली इंजॉय करने के लिए और गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए समुद्र के किनारे पर जाती है। लुसियाना जब यहाँ पानी लाने के लिए जाती है तब उसे यहाँ पर क्लॉस्टर नजर आ जाता है। लुसियाना समझ जाती है क्लॉस्टर का इसी जगह पर आना यह कोई इत्तेफाक नहीं है। लुसियाना अपनी फैमिली को बताती है लेकिन उसकी फैमिली वाले बोलते हैं ये कोई इत्तेफाक ही है कि वो यहाँ पर आ गया। अगले दिन फिर से ये लोग इंजॉय करते हैं लेकिन इस बार समुद्र में तूफान आ जाता है जिसकी वजह से सभी लोग शेल्टर में आ जाते हैं। लेकिन रेमिरो बाहर ही होता है और तूफान थमने के बाद पता चलता है कि रेमिरो की मृत्यु हो चुकी है। लुसियाना रेमिरो के पास क्लॉस्टर को देखती है और उसे पता चल जाता है कि हो ना हो क्लॉस्टर ने ही मेरे भाई को मारा है। लुसियाना को डर लगता है इसलिए वह क्लॉस्टर के लिए माफीनामा लिखती है। कुछ दिनों बाद लुसियाना अपने घर पर होती है। अब वह अकेली रहने लगी है और आज उसके मॉम डैड की एनिवर्सरी है। वह अपने मॉम डैड को विश करती है। ये लोग हमेशा की तरह अपनी एनिवर्सरी में मशरूम बनाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद लुसियाना को पता चल जाता है कि उसके मॉम डैड को हॉस्पिटल में ले जाया गया है। हॉस्पिटल में जाने पर लुसियाना को पता चलता है कि उसके डैडी की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मॉम ब्रेन डैमेज से गुजर रही है। और लुसियाना को पता चल जाता है कि यह काम क्लॉस्टर ने किया है क्योंकि एक बार उसने क्लॉस्टर से जिक्र किया था कि मेरे पेरेंट्स अपनी एनिवर्सरी पर मशरूम खाते हैं और उन्होंने ही मेरे डैड की जान ली है। इस तरह से लुसियाना के एक एक फैमिली मेंबर खत्म होते जा रहे थे। लेकिन थोड़े से टाइम बाद लुसियाना के भाई ब्रूनो पर भी कोई हमला कर देता है और वह ब्रूनो को इसलिए जान से मार देता है क्योंकि ब्रूनो उसकी पत्नी को लेटर लिखता था। लेकिन जब लुसियाना यहाँ पर आती है तो लुसियाना को पता चलता है कि जिस आदमी ने ब्रूनो को मारा है वह एक कैदी था जिसे 25 साल की सजा मिली हुई थी लेकिन जेल से वह किसी तरह से भाग गया और उस कैदी को लेटर लिखने वाला क्लॉस्टर था। लुसियाना समझ जाती है कि ब्रूनो की मृत्यु के पीछे क्लॉस्टर का हाथ है। इस तरह से लुसियाना ने अपने घर के सभी सदस्यों को खो दिया। अब उसके पास उसकी बहन वेलेंटिना है और उसकी मॉम जो कि नर्सिंग होम में है। इसलिए लुसियाना अपनी मॉम से मिलने के लिए नर्सिंग होम में जाती है। लेकिन जब वह अपनी मॉम से मिलकर बाहर आती है तो वह देखती है कि उसके पास वाली दुकान पर क्लॉस्टर आ पहुंचा है इसलिए वह बहुत ज्यादा डर जाती है। इसलिए लूसी अपनी बहन और अपनी मॉम की रक्षा करने के लिए 10 साल पुराने अपने एक दोस्त को कॉल करती है जिसका नाम इस्तेबान रे है और उसे अपने घर पर इन्वाइट करती है।
इस्तेबान रे लुसियाना से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है। लुसियाना यहाँ पर क्लोस्टर की सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से क्लोस्टर ने मेरी फैमिली को एक एक करके मार दिया। लुसियाना बोलती है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि मैंने आपके लिए भी काम किया है, और क्लोस्टर अगला निशाना मेरी माँ को बनाने वाला है जो कि नर्सिंग होम में है। इस्तेबान रे अब न्यूज एजेंसी के लिए काम करने लगा है, इसलिए लुसियाना बोलती है कि तुम अपने न्यूज में क्लोस्टर के खिलाफ कुछ ना कुछ छाप दो ताकि क्लोस्टर अपनी इमेज को बचाने के लिए मेरी फैमिली के पास ना आए, क्योंकि जो लोग मेरी फैमिली में जिंदा बचे हैं मैं उन्हें नहीं खोना चाहती। लेकिन इस्तेबान रे इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहता। लुसियाना बोलती है कि क्लोस्टर ने ही आपका सपना तोड़ा है, नहीं तो आज आप भी एक लेखक होते। क्लोस्टर बहुत ज्यादा पैसे वाला था इसीलिए आपके पास किसी का कॉल नहीं आया। इस्तेबान रे बिना बोले यहाँ से चला जाता है। घर आकर इस्तेबान रे क्लोस्टर के बारे में काफी सोचता है कि वह क्लोस्टर के खिलाफ जाए या ना जाए, लेकिन वह आखिरी फैसला करता है कि वह क्लोस्टर के खिलाफ जाएगा और उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ कर लाएगा। इस्तेबान रे अपने बॉस के पास जाता है और उसे बोलता है कि हमें लुसियाना की इस खबर को अखबार में छापना होगा, लेकिन उसका बॉस मना करता है। बोलता है कि हमें सबूत ढूंढने होंगे, हम ऐसे ही अखबार में कुछ भी नहीं छाप सकते। इसलिए इस्तेबान रे पुराने सबूतों को ढूंढने के लिए एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर पुराने अखबार है। यहाँ पर क्लोस्टर के पुराने इंटरव्यू भी होते हैं जिनको इस्तेबान रे ध्यान से सुनता है। इस्तेबान रे इसके बाद लुसियाना के पुराने घर पर जाता है। यहाँ इस्तेबान रे को एक औरत मिलती है और वह बोलती है कि अगर तुम्हें घर ही खरीदना है तो तुम ब्रोकर से मिलो। लेकिन इस्तेबान रे बोलता है कि मैं घर खरीदने के लिए नहीं आया, मैं लुसियाना के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। यह औरत बोलती है कि लुसियाना के साथ बहुत गलत हुआ, साथ ही उसके पेरेंट्स के साथ तो और भी गलत हुआ। हालांकि उन लोगों को तो मशरूम के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, फिर भी पता नहीं उनसे कैसे भूल हो गई। और आखिर में एक और लाइन बोलती है कि शायद उस बच्ची की गलती हो सकती है, और वह बच्ची वैलेंटिना थी और शायद वही मशरूम को तोड़कर लेकर आई थी, या फिर उस वक्त क्लोस्टर ने ही वैलेंटिना को वो मशरूम दिए हो जिसकी वजह से लुसियाना के डैड की मृत्यु हुई। इस्तेबान रे इसके बाद सीधा उस इंस्पेक्टर के पास जाता है जिसने ब्रूनो के केस को संभाला था। वह आदमी बताता है कि मुझे नहीं पता कि वह कैदी वहाँ से कैसे भागा, वह तो मैच चोरी करने के लिए भागा था, और ब्रूनो का उसकी बीवी के साथ क्या कनेक्शन था मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो केस तो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था और लुसियाना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी कि मैं क्लोस्टर को गिरफ्तार कर लूं। तब इस्तेबान रे फैसला करता है कि वह सीधा क्लोस्टर से ही मिलेगा, और वह क्लोस्टर से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। क्लोस्टर यहाँ बताता है कि वो एक पागल लड़की थी और वो हर किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। मैं उसके जाल में फंस गया और मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। साथ ही वह लुसियाना का एक माफीनामा भी दिखाता है और बताता है कि ये उसने मुझे भेजा था। इस्तेबान रे बताता है कि लुसियाना की घर में जितनी भी मृत्यु हुई है उन सब के पीछे आप थे, क्योंकि आप किसी ना किसी तरह उन लोगों से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर भी उनमें से किसी की मृत्यु हुई है वहाँ पर आप मिले हो। क्लोस्टर बताता है कि वह सब इत्तेफाक था, वहाँ पर केवल एक ही कत्ल हुआ था उसके भाई का, और वो कातिल पकड़ा गया। क्लोस्टर यहाँ पर एक सिक्के का एग्जांपल देता है, बोलता है कि जब हम सिक्के को हवा में उछालेंगे तो 50% पॉसिबिलिटी हेड और टेल की होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हेड और टेल ही आए। इसीलिए जरूरी नहीं कि जितनी भी मृत्यु हुई है उनके पीछे मैं ही हूँ। लेकिन एक दिन उसी नर्सिंग होम में आग लग जाती है जिस नर्सिंग होम में लुसियाना की मोम थी, और इस वजह से लुसियाना की मोम के साथ काफी लोग मर जाते हैं, और आग लगाने का सारा इल्जाम एक चाइनीज आदमी पर लगाया जाता है। जब इस्तेबान रे यहाँ पर आता है तब उसे यहाँ पर क्लोस्टर की एक किताब मिलती है। जब इस्तेबान रे अपने ऑफिस में जाता है तब वहाँ पर उसका बॉस होता है, और वह इस्तेबान रे की एक बहुत पुरानी मैगजीन पढ़ रहा था जिसमें इस्तेबान रे ने क्लोस्टर के खिलाफ थोड़ा बहुत कुछ लिखा था। इसलिए उसका बॉस बोलता है कि तुम अखबार के पन्ने अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हो, तुम्हारी तो क्लोस्टर के साथ पुरानी दुश्मनी है इसलिए शायद तुम उसके पीछे पड़े हो। और उसका बॉस उसे यहाँ से भगा देता है। इस्तेबान रे बार में आकर ड्रिंक करता है और यहाँ पर वह इतना नशा कर लेता है कि एक सिक्के को बार बार उछालने लगता है, और वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह एक इत्तेफाक है या साजिश है। लुसियाना भी अपने घर पर होती है। लुसियाना की बहन वैलेंटिना के साथ उसकी एक दोस्त आई हुई है जिसका नाम कैमिला है, और वैलेंटिना और कैमिला एक दूसरे से प्यार करती हैं। लेकिन लुसियाना यहाँ पर चुपके से इन दोनों की बातें सुनती है, तो यहाँ लुसियाना को पता चल जाता है कि वैलेंटिना ने क्लोस्टर का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि क्लोस्टर की एक नई बुक आने वाली है, और साथ ही क्लोस्टर ने वैलेंटिना को यह कहा था कि वह इस बारे में किसी को ना बताए। इसलिए लुसियाना को पता चल जाता है कि क्लोस्टर का अगला शिकार वैलेंटिना होने वाली है, और वह अपनी बहन को किसी भी कीमत पर बचाएगी। इसलिए वह इस्तेबान रे को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे क्लोस्टर से मिलना है। इसीलिए इस्तेबान रे और लुसियाना उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर क्लोस्टर अपनी ऑडियंस को किताब सुना रहा है। इस्तेबान रे के पास प्रेस पास होता है जिसकी वजह से लुसियाना भी इस बिल्डिंग में आ जाती है, और यह वही सीन होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। मतलब यह कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। लुसियाना थर्ड फ्लोर पर क्लोस्टर का इंतजार करने लगती है, और तब तक इस्तेबान रे लुसियाना के बारे में क्लोस्टर को बता देता है कि वो थर्ड फ्लोर पर इंतजार कर रही है, अगर आप देर से जाएंगे तो यहाँ पर वह बवाल मचा सकती है क्योंकि यहाँ पर मीडिया है। इसलिए क्लोस्टर लुसियाना से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है, और लुसियाना क्लोस्टर को यह सब बंद करने के लिए बोलती है। क्लोस्टर बोलता है कि यह सब मैंने शुरुआत नहीं किया बल्कि तुमने शुरुआत की थी, और ये सब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कब रोकना चाहोगी, और वह लुसियाना को नीचे कूदने का इशारा भी करता है। लुसियाना समझ जाती है कि खुद की जान देकर इन सब चीजों को बंद किया जा सकता है, इसलिए वह क्लोस्टर से बोलती है कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरी बहन वैलेंटिना को कुछ भी नहीं करोगे। तब क्लोस्टर बोलता है कि मैंने भी मेरी बेटी को खोया है, अगर वो आज जिंदा होती तो वो वैलेंटिना की ही उम्र की होती। क्लोस्टर के कहने का मतलब है कि वैलेंटिना उसकी बेटी जैसी ही है, और वादा करता है कि मैं उसे कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा।
तभी क्लॉस्टर के पास एक आदमी आ जाता है। जब क्लॉस्टर उससे बात करने लगता है, लुसियाना ऊपर से नीचे कूद जाती है और वहीं पर बेचारी अपनी जान गंवा देती है। इस्तेवान रेड लुसियाना के पास आता है और जब वह ऊपर देखता है तो ऊपर क्लॉस्टर होता है। बाद में लुसियाना की बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। जब इस्तेवान रे यहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर वेलेंटिना और क्लॉस्टर पहले से ही हैं और क्लॉस्टर ने वेलेंटिना को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। जब क्लॉस्टर अकेला होता है तब इस्तेवान रे उसे बोलता है कि वो सिर्फ 18 साल की है। तब क्लॉस्टर बताता है कि वो अगले हफ्ते ही 18 की हो जाएगी और उसे मेरी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के अंदर बदले की कोई भावना नहीं है, साथ ही हम दोनों ने अपना अपना परिवार खो दिया है। इस्तेवान रे को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम एक कातिल हो और एक मॉन्स्टर हो। तब क्लॉस्टर बोलता है कि लुसियाना भी मुझसे ऐसा ही कहा करती थी और आज देखो उसने अपना परिवार खो दिया, इसलिए तुम जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारा भी एक परिवार है। इस्तेवान रे कुछ भी नहीं कर पाता और क्लॉस्टर वहां से चला जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि क्लॉस्टर ने लुसियाना की बहन के साथ रोमांस करने की सोची है और वेलेंटिना के चेहरे को भी देखकर यही लगता है कि उसे भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी बेहतरीन वीडियोज के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।